हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोएब, आपके साथ आपके अपने चैनल बर्ड्स कॉलोनी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने टाइटल में और थंबनेल में देखा ही होगा कि अपने घर को, अपने कबूतर के घर को हम बरसात में पानी से कैसे बचाएं। तो ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बांस का ये बनाया हूँ। पहले आपने देखे होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखे होंगे कबूतर घर मैंने कूलर से बनाया था, कूलर के जाली से। तो उस जाली में बरसात का टाइम चल रहा है अभी, आज तो बहुत धूप है लेकिन अभी बरसात का सीज़न है, तो जाली के अंदर पानी जाता था और वो लकड़ा ख़राब होता था। जिस लकड़ी से मैंने कबूतर का घर बनाया वो लकड़ा ख़राब होता था और उससे कबूतर के अंडे भी ख़राब होते थे, इसलिए मैंने ये बनाया हूँ बांस से। इससे पानी अंदर नहीं जाएगा, बाहर के बाहर ही रहेगा पानी, देख सकते हैं आप। ये इस साइड से भी लगाई है। ये हमने कैसे बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस साइड से भी आधा लगा है, आधा आज लगाएंगे, शाम को आधा लगा है इस साइड से। ऐसा था पहले जाली का, कूलर के जाली से बनाया था, तो ये जाली से पानी अंदर जाता था और कबूतर के अंडे और ये लकड़ा जो है ये गिल्ला होता था, लकड़ा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने ये लगाए। ऊपर से थे कूलर के टीन का टब, नीचे का टब रहता है उससे ऊपर का बनाए थे हमने, नीचे से ऐसा था। तो हमने कैसे बनाया वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में इतने सारे बांस रखे थे, तो हमने बांस से ये बनाया है। ये बांस का एक बांस ले लिए थे हमने, उसके हमने ये इसके साइज का काट लिए थे, ऊपर से लेके नीचे तक के इसका साइज लेके हमने बांस के टुकड़े कर लिए थे। इतने बड़े बड़े टुकड़े करे थे इसके, टुकड़े करने के बाद फिर उसको हमने बीच में से काटे थे, वो बीच में से इसको ऐसे काट दिए। काटने के बाद फिर उसको यहाँ पे ऐसे लगा दिए। हमने इसे यहाँ लगाए कैसे उसकी वीडियो में आपको बताता हूँ। पहले इसे हमने यहाँ पे फिर लगा दिए, और ये तार है, ये आपको हार्डवेयर के शॉप में इजीली मिल जाएगा, ये तार बारीक वाला तार है ये बहुत। इससे हमने इसे अच्छे से बांध लिए, पूरा टाइट कर लिए, इससे हवा तूफान भी आएंगे तो ये बराबर फिक्स ही रहेगा, हिलेगा नहीं, बराबर उस पर फिट रहेगा, लगा रहेगा अच्छे से। तो ये ऊपर से एक लेयर हमने तार की बांध लिए अच्छे से, नीचे से भी अच्छे से कस लिए, इस साइड से भी वैसे ही कसे, तार से अच्छे से बांध लिए ताकि ये उड़े ना। इस तार से हमने इसे बांध लिए, आप देख सकते हैं तार, तुम बाजू वाला तार है, बरोबर दिख भी नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अंदर से ऐसा दिखता है ये, बाहर के तरफ से ऐसा बना हुआ है, अंदर से ऐसा दिखता है, यहाँ से पानी भी नहीं आएगा अंदर। इस साइड से भी आज लगाएंगे, साइड बांस कम चले गए हैं तो आज बांस काट के यहाँ से भी अच्छे से पूरा पैक कर देंगे इसको। हमने इसे फिट कैसे किए बांस को, यहाँ पे जाली पे बांस को हमने कैसे लगाया उसकी वीडियो में आपको बताता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझेगा। और अगर से आपको भी ऐसा बनाना है तो आप भी बना सकते हैं, बहुत इजी है ये बनाना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। अगर से आप अच्छे से बनाएंगे तो एक दिन में ये बन जाएगा, पूरे बांस वगैरह सब काट के रखेंगे तो एक दिन में ही बन जाएगा, दिन भी नहीं लगेंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, सिर्फ आपको इसके लिए बांस और तार लगेगा सिर्फ।
तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, बारिश से, बारिश में अच्छा बहुत काम में आएगा ये आपको, लकड़ा भी ख़राब नहीं होगा आपका, अंदर का जो है जहाँ ये इसका घर है कबूतर का लगा हुआ है, लकड़ा भी ख़राब नहीं होगा, अंडे भी उसके ख़राब नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर से आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होंगी तो आप वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल बर्ड्स कॉलोनी को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे वीडियो पे कमेंट करना दोस्तों। मेरे को आप अच्छे से देख लीजिए पहले हमने कैसे बनाए, कैसे इसे लगाए, कैसे क्या है ये देख लो आप। अगर से आपको अच्छा लगा तो आप भी ऐसा बनाइए।